नगर पालिका शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद ने आज नगर पालिका परिसर में वार्ड वासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं को लेकर नगर पालिका में आज दोपहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज वार्ड क्रमांक 36 से पार्षद एमडी गुर्जर अपने वार्ड से नगर पालिका परिसर पहुंचे थे। इस दौरान वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद एमडी गुर्जर के साथ आधा सैकड़ा महिलाएं भी साथ चल रही थी। इसके बाद नगर पालिका परिसर में हाथ में तख्ती लेकर परिसर में टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए थे। कांग्रेस के पार्षद एमडी गुर्जर के समर्थन में कांग्रेस के अन्य पार्षद सहित नेता प्रतिपक्ष भी धरने पर बैठ गए थे, लेकिन शाम होते शिवपुरी एसडीएम ने एक पत्र जारी कर धरना स्थल से पार्षद सहित महिलाओं को हटवा दिया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या कुछ मांग? मेरी मांगे सार्वजनिक है, जो मेरे वार्ड के एवं सभी कांग्रेस वार्डों में जो आप देख रहे हो कितना भेदभाव किया जा रहा है। आप भी यहीं के नागरिक हो, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि हम कांग्रेस पार्षद कितने परेशान हैं। आठ महीने से शायद 9 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक वार्ड में एक भी ईंट नहीं लगा पाए। कुछ लोग जो ला पाए हैं वो पुरानी फाइलों पे काम कर पाए हैं। और मेरा एक भी कहना है, जो कह रहे हैं कि ना ये सड़कें दे दी, ये सड़कें हमने खुद फाइलें बनाई हैं, ये हमारी खुद की स्वीकृति, हमने फाइलें खुद चलाई हैं, जब हमें सड़कें ये कहीं मिल पाई है, वो भी पता नहीं कब डाली जाएगी। रही बात मेरे वार्ड के साथ, ना जाने क्यों शुरू से भेदभाव किया जाता है। पूर्व पार्षद भी रहा, उसका पता नहीं क्या है। मेरे कार्यकाल में शायद 9-10 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक कोई सुविधा नहीं दे पाएगा नगर पालिका। आज ये कितने वार्डों की हड़ताल है? ये सब समस्त कांग्रेस पार्टी साथ में मेरे, मैं मेरे कांग्रेस के पार्षद है उन्हीं बार, मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ, जो परेशान है निर्दलीय भी बीजेपी के भी, सब आओ, अपनी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, हमारा उसमें कुछ नहीं है। मैं परेशान था, हमारे वार्ड की जनता परेशान थी, सभी पार्षद परेशान थे, इसलिए मैंने ये कदम लिया है। मैं अपने वार्ड क्रमांक 36 से मंदिर से यहाँ तक पेड़ भर के आया हूँ। भगवान इनको सद्बुद्धि देना, मैं माता रानी का भक्त हूँ, मैं नगरपालिका मैया को भी प्रणाम करता हूँ कि मेरे वार्ड के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, उसको खत्म करें। मैं विकास चाहता हूँ, विकास करें। ये वार्ड 36 का धरना प्रदर्शन है क्या, 39 का है या सभी, मतलब पूरे जिले का धरना प्रदर्शन है? पूरे जिले में विकास करिए, मैं नहीं कह रहा मेरे वार्ड के लिए करिए। जिले पे ना जाएं, आप नगर पालिका पे धरना दे रहे हैं, नगर पालिका हाँ। पर जाएं। नगर पालिका के कितने वार्डों का धरना है? ये करीबन 10-11 पार्षदों का धरना है। कांग्रेस के जो सब साथ है मेरे, सब साथ है मेरे। किसी बीजेपी पार्षद ने आपका समर्थन किया? नहीं, अभी तो नहीं किया है, आगे करें तो उनका स्वागत है। किस प्रकार की समस्याओं को लेकर आप धरना? मेरे वार्ड में पानी की पाइपलाइन डाली गई, अभी पूरे पूर्ण रूप से नहीं हुई है। मेरे वार्ड में एक भी सीसी नहीं है, मेरा वार्ड पूरा कच्चा है, मेरे पास फोटोग्राफ में। इतने इतने लोग स्टूडेंट पानी में जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, आदिवासी बस्तियों में पानी की पाइपलाइन नहीं है, एक भी लाइट नहीं है, करीबन 200-300 खम्भों पर लाइट नहीं है, और दौरगा पूरी पूरी पानी भरी रहती है। काफ़ी लोग परेशान है बेचारे, उन लोगों को सबकी समस्याओं को लेके, लोग बाबाओं की समस्याओं को लेके मैं यहाँ आया हूँ। जब तक मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को चेतावनी देता हूँ कि यदि मेरे वार्ड की और मेरे कांग्रेस वार्डों की अगर नहीं की पूरी घोषणा है तो नहीं मानी, तो मैं जब तक जहाँ से नहीं हटूंगा जब तक पूरी मेरी वो नहीं करेंगे, जब तक पार्षद बने हैं तो विकास। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।